अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चीला बनाने का तरीका बताऊंगी। ये डाइट वालों के लिए बहुत बेहतरीन है जो डाइट करना चाहते हैं। इससे आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा और ये बहुत हेल्दी है। चीला बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिया है वो है 1 कप ओट। इंस्टेंट ओट है ये। 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून सूजी। इसके लिए हमने लिया है 1 मीडियम साइज टमाटर, 1 मीडियम साइज प्याज और आधी शिमला मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इन दोनों को भी मैं चॉप कर लूँगी। और बाकी चीला बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मेरिक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, आप इसकी जगह आमचूर मसाला भी ले सकते हैं, नमक अप टू द टेस्ट है लेकिन मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, कुटा हुआ जीरा पाउडर, और मैंने साथ में 1/2 टीस्पून ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें चॉप्ड वो ले ली हैं, और थोड़ा सा धनिया। सबसे पहले हमने ओट को फ्राई करना है ताकि इसकी एक फ्रेग्रेंस आ जाए। फ्राई पैन में ओट्स को डालेंगे, कोई आपने ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे और हिलाते रहना है। देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ओट्स को रख लिया है, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। अब इनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गई है, आपने तब तक इनको फ्राई करना है जब तक के अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं आ जाती। मैं इसमें ओट को पीस लूँगी, ये थोड़े बड़े साइज़ के ओट हैं, अगर आपके ओट छोटे साइज़ के हों तो उनको पीसने की ज़रूरत नहीं, हाथ से क्रश कर लें। हल्का हल्का सा पीस लेना है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, हल्का हल्का सा। ये 1 टमाटर का हाफ ले लिया मैंने और हाफ ही प्याज ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा कम चीला बनाऊंगी तो इसलिए हाफ हाफ रख लिया मैंने। इसमें हम ओट्स ऐड कर लेंगे। बेसन ऐड कर लेंगे, बेसन एक बाइंडिंग एजेंट है, और सूजी से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाएगी अंदर। इसके बाद हम प्याज ऐड कर लेंगे अंदर ही, शिमला मिर्च और टमाटर, और हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे सारे। अब इसको मिक्स करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 कप के करीब तकरीबन पानी ऐड होगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं जब तक के अच्छी कंसिस्टेंसी ना बन जाए। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए सोक करके रख लेना है, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को जज्ब कर लेगी। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करके उसको अच्छी से मिक्स कर लेना है। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें हसब ज़रूरत धनिया ऐड कर लिया है। अब फ्राई पैन को हल्की आंच पे चूल्हे पे रखते हैं। इसमें बैटर ऐड कर लें। बैटर को रोटी की शक्ल में स्प्रेड कर लें। जितना पतला आप पसंद करते हैं उतना पतला आप कर सकते हैं। अब इसमें एक टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लें। यहाँ पे अब चीला तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चीले की फाइनल लुक रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।